जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होगी, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, शाम के 8 बज रहे हैं और हम रेडी हो गए हैं। हम चल रहे हैं अपने देवर राजा की बारात में। जैसा कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा कि मेहंदी रस्म में गए हुए थे, मेहंदी रस्म के बाद आज है बारात, तो यहाँ पर हम रेडी हो गए हैं। थोड़ी बहुत हम मेकअप भी कर लिए हैं, चूड़ा वगैरह और रेड कलर की आज हमने साड़ी डाल लिया है। तो चलते हैं नीचे के रूम में और मीना के पास, देखते हैं कि मीना रेडी हुई है कि नहीं रेडी हुई है। और यहाँ पर हम दोनों लोग ना बड़े शीशे में देख रहे हैं कि हमारा दोनों का मेकअप कैसे लग रहा है, और जो थोड़ी बहुत कमियाँ है ना तो एक दूसरे की बता करके पूरा भी कर लेते हैं। और ठंडियों की शादी में गाइस सही रहता है कि टाइम से आप रेडी हो जाओ तो उलझन भी नहीं होती है, लेकिन अगर गर्मी की शादी में जाओ ना तो इतनी उलझन होने लगती है, ऐसे लगता है क्या पहनो क्या ना पहनो। बिल्कुल हल्की गुलाबी ठंडी है, इसीलिए हम लोग ना साल स्वेटर कुछ भी नहीं ले रहे हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं, चल रहे हैं शादी में, आप लोगों को भी ले चलते हैं। टाइम ना 9 है बज रहे हैं, मीना भी रेडी हो गए, बच्चे भी सब रेडी हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं पति देव के साथ। सब लोगों ने थोड़ी बहुत नाश्ता कर लिया, इसके बाद यहाँ पर बारात रेडी हो गई है। और ये हमारी बहन है जो सामने खड़ी हुई, इन्हीं की बेटे की शादी है, तो बोल रही है चलो शोभा, सब लोगों को पहले बारात में शामिल होना है। तो हम लोग नाचते गाते यहाँ पर चल रहे हैं अपनी देवर राजा की बारात में। और हमारे देवर राजा ना हंसकार में बैठे हुए हैं, तो नगड़िया वाला बाजा भी है, लेकिन यहाँ पर ना डीजे वाला म्यूजिक चल रहा था, इसीलिए हमने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किए। यहाँ पर हम सब बहनें नाचते गाते जा रहे हैं, और आप लोग भी गाइस फुल एंजॉय करिए हमारे साथ, देवर राजा की बारात में जा रहे हैं। और पीछे देखिए हंसकार भी आ रहा है, और आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि जब शादी फंक्शन में इस तरह कहीं जाओ और फैशन के दौर में साल स्वेटर भी ना लो, तो बस वही हमारी हालत हो गई है कि हमको हो गई है सर्दी। आप लोग हमारी आवाज़ से समझ सकते हैं, इस समय ना हमारी आवाज़ ना बहुत बीच बीच में भिन्न भिन्न भी होने लगती है, क्योंकि गला भी एकदम से भारी भारी सा हो रहा है और नाक भी एकदम से सटी सटी है। और यहाँ पर हमारी बहन देखिए कितना खुश है और कैसे कर रहे हैं डांस, तो आप लोग भी फुल इंजॉय करिए।
का डांस देख करके ना हमारे पति देव की एकदम से बेचैनी सी थी कि हम भी डांस करें, तो हमने कहा आप क्यों चूक रहे हो। तो जैसे हमने देखा हमने कहा यार आप भी आइए ना, तो देखिए यहाँ पर हमारे पति देव कितना खुश हैं और कैसे डांस कर रहे हैं। आप लोगों से बताएं, जब हमारी शादी हुई थी ना तो बचपन में यानी हम बहुत ही छोटे थे और 5 साल बाद हम अपने ससुराल आए थे। तो जब हम लोगों के है ना शादी के समय निहारन होता है ना, तो निहारन में पहले हमको चेयर में बैठाया गया और बैंड बाजा बज रहा था, बट हमारे पति देव ना उसी बाजे में डांस भी करने लगे। तो यहाँ पर आज हमको देख करके हंसी हो रही और मनु से भी करा रहे हैं बराबर, करे मनु आप भी करो हम भी करें। तो आज बाप बेटे ने ना जम करके यहाँ पर डांस किया। हमने आते इनसे कहा, हमने कहा पुरानी यादें ना आज ताज़ा हो गई, तो बोले क्या हुआ। हमने कहा इसी तरह का डांस आपने अपनी शादी में किया था, तो आज आपका डांस देख करके ना हम खुश हो गए। इसके बाद ना बारात आ गई है अंदर। अब यहाँ पर हो रही द्वार की पूजा और हम लोग कर रहे हैं अंदर की तरफ एंट्री, और सब बहनों से आप लोगों को भी मिलवा रहे हैं और हम भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी सब बहनें आ गई थी, यानी हमारी कीर्तन वाली सब बहनें जो साथ में हम लोग आप लोगों को भजन कीर्तन सुनाते हैं। और यह हमारी दीदी जी की बेटी है निधि, और हमारी दीदी जी ना जो कीर्तन गाती है ना वो इस समय नहीं है, गाँव गई हुई हैं। वही हम पूछ रहे हैं कि दीदी जी नहीं आई हैं, तो बता रहे हैं कि गाँव गए हुए हैं। शादी में तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितने सारे आइटम होते हैं, लेकिन हम लोग ना हल्का फुल्का वाला आइटम ले लेते हैं, तो रात का डिनर जल्दी कर लेते हैं। और पहले हमको समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ ना आने के बाद ना यानी काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और ठंडी भी लग रही थी, वही हम मीना से बोल रहे हैं कि जल्दी रात का डिनर करने के बाद ना चलो थोड़ी समय यहाँ पर बैठ लेते हैं। और जय माँ, काफ़ी टाइम था, बच्चे भी परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे माँ चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि इस समय ना बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार शादी फंक्शन में जाना, एक बार ना सोचना पड़ता है, क्योंकि दिन में कहीं भी चले जाओ लेकिन अगर रात में कहीं जाना पड़ता है ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों को लेकर के जाना। शादी में आके ना हमने ऐसी कौन सी दावा किया है, तो देखिए हमको सर्दी इसलिए हुई है, यहाँ आने के बाद ना हमने आइसक्रीम खाया क्योंकि आइसक्रीम हमको बहुत ही पसंद है। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मेहंदी के रस्म में हाथों में मेहंदी नहीं लगाए बट सर में मेहंदी लगाए हैं, तो हमको नहीं सर्दी होगी और किसी को होगी। तो यहाँ पर बच्चों को भी हम कह रहे हैं कि बच्चा पार्टी जल्दी चलो। और इस समय ना गाइस मनु को भी सर्दी हो गई, उनको भी फीवर आ रहा है, हमारी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ भी हो यार शादी फंक्शन में तो जाना ही पड़ता है, और एक खुशी अलग सी होती है। हम लोग सोचते रहते हैं कि वहाँ शादी है काल डाया हमको जाना ही है, तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो लेकिन जाना तो पड़ता ही है। तो हम लोग आ गए हैं घर और हमारे पति देव कह रहे हैं कि खूब शादी अटेंड किया, खूब अच्छे से आइसक्रीम वगैरह खाई हो कि नहीं खाई हो। हमने कहा यार बहुत ही अच्छे से खाएँ, बट जयमाल नहीं देख पाए थोड़ी सी यही अंदर से। हम सब लोग ना यहाँ पर इतना परेशान हैं, यानी जयमाल नहीं हुआ था, हम लोग चले आए हमारा दिखा दो पढ़ाई करेंगे टाइम ना गए, 12:30 बज गए थे, बच्चे भी परेशान हो रहे थे। बच्चे तो कभी परेशान होने वाले नहीं, क्यों गोविंद, अगर शादी में कहीं पहुंच जाते हैं ना तो इनको ना फुल एंजॉय करने को मिल जाता है। और देखो कृष्णा क्या कर, अरे फोन रख दो, लेकिन हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हम इसलिए परेशान हैं कि कभी मतलब कहीं भी हम शादी में गए हैं ना तो इस तरह कभी नहीं हुआ है जिस तरह इस बार हुआ है कि जयमाल छोड़ करके हम लोगों को आना पड़ा है। इसी वजह से हम और मीना दोनों लोग ना बहुत परेशान हैं। मीना तो सब उतार डाली सब, अभी तो हमको सब लड़ी लड़ी उतारने में ना टाइम लगेगा, पहनने में इतना टाइम नहीं लगता है, सब उतारना रखना फिर से बहुत टाइम लगता है। बारात में बहुत टाइम लग गया ना, बारात में डांस हो, मैं तो उसको देख रही हूँ डांस करते करते ना। हाँ उनकी बहू बहुत डांस की, उसकी जो उनकी दीदी की लड़की ने? दीदी की लड़की, अच्छा हाँ दीदी की जो बहू थी उन्होंने बहुत डांस किया। पूरी 5 घंटे बाद तो बारात ही आई है, तभी तो है 12:30 बज गए। हर जगह हमने देखा है थोड़ा सा डांस होता है कि बारात आगे जाती है, तो आज की वजह से